हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वैसे तो दोस्तों मैंने कई तरह के आपको फेस पैक बताए, फेस मास्क बताए, लेकिन मैं आज आपके लिए ऐसा फेस मास्क लेके आई हूँ जिसको आप लगाओगे तो आपकी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, आप अपनी उम्र से छोटे भी लगने लगोगे। इसको आप चाहे तो डेली यूज़ कर सकते हो, इसको चाहे तो वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम हमारे फेस और बॉडी को 10 मिनट तो दे ही सकते हैं। 24 घंटे में से यदि हमने 10 मिनट दे दिए तो हमारा फेस वैसे ही क्लीन हो जाएगा, हमारी बॉडी भी सुंदर लगेगी, साफ़ लगेगी। चलते हैं दोस्तों हमारी वीडियो की तरफ। हमें चाहिए 1 चम्मच दही। दही गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अभी तो केले भी आ रहे हैं, केले हमें सिर्फ आधा केला चाहिए। आधा केला चाहे तो वो गला हुआ हो, काफ़ी दिन रखे हुए हों, गीला कुछ ढीला ढीला हो गया हो, खाने के लायक ना हो, हम उसको फेंके ना, हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। हमने आधा केला लिया और 1 चम्मच गाढ़ा दही लिया, इन दोनों को हमने ब्लेंड कर दिया मिक्सी में, अच्छा सा पेस्ट बन गया गाढ़ा सा। आप इसमें चाहें तो हनी भी मिक्स कर सकते हैं। दही से हमारा कलर साफ़ होता है, स्किन टोन अच्छा हो जाता है, और जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए तो दही वैसे भी अच्छा होता है। केला हमारे स्किन को ग्लो देता है और हनी से हमारे फेस पे मॉइस्चराइज़र आएगा। इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है और फेस पे लगा देना है। लेकिन जब भी हम फेस मास्क लगाते हैं या फेस पैक लगाते हैं, उसके पहले अच्छी तरीके से हमारा फेस वॉश होना चाहिए, चाहे वो क्लिंजर से वॉश हो, चाहे स्क्रबिंग से हो, चाहे आप किसी से भी करो या घर पे नॉर्मल बेसन से करो, ताकि हमारे जो फेस की डर्ट है वो हमारे फेस की डर्ट रिमूव होगी, तभी हमारे फेस पे ग्लो नज़र आएगा। हमें इसको आधे घंटे की लगाकर छोड़ देना है। आप इसको आइस पे और फोटो पे ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इसको लगा के आप छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद ये सूख जाएगा और इसको हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसलते हुए इस तरीके से करके आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके इसको रिमूव करिए और ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए, और उसके बाद देन आप मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। आप ये वीक में 2 से 3 बार करिए तो आपका बहुत अच्छा फेस ग्लो हो जाएगा। आप चाहे तो इसको फेशियल करने से पहले भी इस पैक को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि फेशियल में इससे ज़्यादा कितना अच्छा, इसके बाद कितना अच्छा ग्लो आता है। कई बार हम सोचते हैं हमारे फेशियल में ग्लो नहीं आता है, लेकिन इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपके फेशियल में ग्लो भी आएगा। इसको यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।